नमस्कार, मैं करनाल राणा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आजकल दुनिया में एक बहुत बहुत बड़ी भयंकर आपदा आई है। पूरी दुनिया उस आपदा से जूझ रही है। हमारे भारतवर्ष में भी उसने दस्तक दी है, उस बीमारी ने, उस आपदा ने। उससे भी ऊपर हमारे हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में भी इस बीमारी ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, अपने कदम रखे हैं। तो जहाँ सरकार प्रयास कर रही है, डॉक्टर साहिबान प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े साइंसदान प्रयास कर रहे हैं इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए, हर वर्ग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है। तो वहीं एक मैंने भी छोटा सा प्रयास किया है कि किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि अभी तक ना तो इस बीमारी की कोई वैक्सीन बनी है, ना कोई दवाई बनी है। तो केवल मात्र बचाव में ही बचाव है। इस बीमारी से हम जितना एक दूसरे के नज़दीक जाएंगे, उतनी ही बीमारी हम उसको एक दूसरे के बीच में लेके जाएंगे। जितने हम एक दूसरे के संपर्क में आए, उतनी ही बीमारी फैलेगी। तो एक कोशिश है, प्रयास है, और आप सबसे आग्रह है, निवेदन है कि कम से कम 3-4 फुट की दूरी बनाकर ही एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार, ऐसे ही आप लोगों से मिल सकते हैं, आप अपना अभिवादन कर सकते हैं। और दूसरी, जो हम लोग कई बार जाने अनजाने में हम कई गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी को फैलने में मौका मिल रहा है। तो एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम खुद अपना भी बचाव करें, अपने परिवार का भी बचाव करें, खासकर बुज़ुर्ग और जो बच्चे हैं, इनको ये बीमारी बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी जकड़ रही है। तो उनको भी घर में आइसोलेट करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र से अपने हाथ साफ़ करते रहें। बाहर जाएं तो कोशिश करें कि जो बस्तर आपने पहने हैं, जो कपड़े आपने पहने हैं, उनको घर आके धो लें, और घर से बिना मतलब बाहर ना निकलें। क्योंकि सरकार ने जो कर्फ्यू लगाया है या सरकार ने जो लॉकडाउन किया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जाने अनजाने में हो सकता है हम इस बीमारी को कैरी कर जाएं, हम दूसरे किसी तक पहुंचा दें, अपने घर के मेहमान तक पहुंचा दें। तो घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही ज़रूरी है तब तो थोड़ी अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पे रहें, बल्कि घर पे ही रहें, तो ही हम इस बीमारी पे थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं। और एक लोकगीत जो अपनी थोड़ी आहुति दी है समाज के लिए, समाज को ये संदेश देने के लिए, जागरूक करने के लिए, ये जो गीत है ये आप सबके सम्मुख। मिलजुल लड़ना जरूर, करोना वायरस ने